वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स. एज यू नो दैट इन लास्ट क्लास वी स्टार्टेड चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड द एक्सरसाइज 7.1 वी कंप्लीटेड इन टू वीडियोस. सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.2. सो इन द एक्सरसाइज 7.2 डिपेंड ऑन ओनली वन फॉर्मूला. द फॉर्मूला नेम इज सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला, ओके. द सेक्शन फॉर्मूला मींस इफ वी हैव टू डिवाइड एनी लाइन इन द रेशियो, देन if we have to find out the point of the ratio or the ratio, then we have to use section formula. You can see that the two points are there. The first point is x1, y1, and the second point is x2, y2. And another point is there between them, and the point is divided m and n. In your book, there is written m1 and m2. आपकी बुक के अंदर m1 और m2 लिखा हुआ है, तो आप उसको छोड़ दें, तो मैं बता रहा हूँ आपको याद रखें अच्छे तरीके से. तो m and n is true. Then the coordinate of this point, so this point to x or y at this point to coordinate it, will be x equals to mx2 cross mana mx2 nx1 plus nx1 upon m plus, and the second is y equals to my2 plus ny1 upon m plus. ये दो cases हैं और इससे अपन इनकी value find out करते हैं. अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें चार वेरिएबल्स हैं, 1, 2, 3 और 4. इन चारों में से कोई भी तीन वेरिएबल आपको दिए हुए होंगे और चौथा वेरिएबल आपको फाइंड करना होता है. कई बार यदि रेशियो भी नहीं दिया होता तो जब रेशियो लैग करता हो, लैग अगर आपको रेशियो दिया हुआ नहीं है तो पहला काम आपको रेशियो को लैग करना है. मतलब रेशियो लैग लैग क्या लैग करें, के रेशियो 1. ये कब बनता है, व्हेन द रेशियो इज नॉट गिवन. इफ द रेशियो इज द क्वेश्चन, द रेशियो इज नॉट गिवन एंड यू हैव टू लैग द रेशियो, देन के रेशियो 1 यू हैव टू left. Okay, so now the first question of the exercise is like this only. Find the coordinate of a point which divides 7, -1, 7 and 4, 3 in the ratio. ये पहला पॉइंट है और -1, 7 और दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है ना 4, -3. इनके बीच में एक आपको पॉइंट फाइंड करना है, कौन सा x और y है और रेशियो दिया हुआ है. यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको डायरेक्ट सॉल्व करना. तो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये पॉइंट, द पॉइंट x कॉमा y इज 1, या आपका पॉइंट आ गया. तो बहुत ही इजी है, आपको स्टेप्स ऑफ फॉर्मूला सॉल्व करना है, तो केवल आपको फॉर्मूला लर्न करना है. इफ यू लर्न द फॉर्मूला देन इट इज टू मच. सो जस्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड राइट योर. Question. So the next second question, find the coordinate of the point of trisection of the line segment joining 4, -1, -2, 3. मतलब ये कह रहा है दोनों को join करना है, पर trisection. अब ये trisection क्या होता है, bisect. Actually the meaning of the bisect is two equal parts. Trisection का मतलब तीन equal parts, मतलब एक यहाँ पे और एक. तो आपको एक तो ये वाला point find करना है और एक ये वाला point. दोनों point find out करने. जब इक्वल पार्ट है मतलब कि रेशियो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा. तो आप एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब मैं इस पॉइंट ए को फाइंड करता हूं, आप पहले बिंदु बी को फाइंड करता हूं. तो जब ए को फाइंड होगा तो पहला वाला पॉइंट आपका वही रहेगा 4, -1, और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो वही रहेगा -2, -3. लेकिन जो रेशियो है वो यहां पर आगे तो 1 है, नीचे 1+1 कितना हो जाएगा 1 रेशियो. अब आप उसको सॉल्व करते हैं, सेकेंड टर्म है
y equals to m y 2 plus n y 1 upon m plus m की जगह पे 1 y की जगह पे negative 3 n की जगह पे 2 y 1 की जगह पे negative 1 upon 1 plus 2 then negative 3 negative 2 upon 3 so the answer is negative 3 1 negative 3 2 negative 1 negative 5 by 2 आपका जो पहला पॉइंट है वो कितना हो गया 2 negative 5 by 3 ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। जब सेकंड केस में आप b को फाइंड करते हैं तो हमने a की लिखे इसके लिए क्या है b की जब आप b के लिए करेंगे तो आपका जो पॉइंट है पहला वाला वो तो 4 negative 1 ही रहेगा और साथ यहां से देखिएगा इसको और जो सेकंड पॉइंट है नेगेटिव 2 कॉमा नेगेटिव 2 देयर बट द रेशियो इज मैंने दिया है तो आगे हो जाएगा 2 और पीछे हो जाएगा 1 तो वापस वही x equals to m x2 plus n x1 upon m plus n y equals to m y2 plus n y1 upon m plus n तो ये जो सॉल्व है वो आपको करना है एक वाला तो मैंने कर दिया ये वाला सॉल्व आपको होमवर्क में करना है ओके सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द डिस्क्रिप्शन एंड दिस थिंग यू आर गोइंग इन होमवर्क ओके दिस इज नेगेटिव 2 कॉमा नेगेटिव 3 ओके दिस थिंग यू आर गोइंग इन take this note or I hope you understood. Okay, so the next step is number third. The very best question is come, but then, देखिए क्या बोला। To conduct a sports day activity, sports day की activity conduct करने के लिए, in the regular sped school, ग्राउंड स्कूल के स्पीड ग्राउंड के अंदर ए बी सी डी है ग्राउंड है लाइन है बी ड्रॉन द चौक चौक पाउडर से लाइन ड्रॉ करेंगे आप फिर क्या कर रहे हैं पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ ईच 1 meter 1 meter की डिस्टेंस पर है 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड द डिस्टेंस 1 मीटर 100 फ्लावर रखे गए ऐसे खड़े और 100 मीटर की डिस्टेंस सॉरी 1 मीटर की डिस्टेंस पर है ए डी अलोंग द ए डी ए डी की साइड में सो इन द फिगर डायग्राम आपको बिल्कुल मेंशन है पहले बच्चे यानी का आधार पर हम फॉलो अप तो देखो टोटल जो डिस्टेंस है ए डी वो तो कितनी हो गई आपकी 100 मीटर अब देखो जो नियानी का है वो इनकी तोड़े में 1/4 तो 1/4 इनको 100 कितना हो गया 25 मीटर तो जो नियानी का कोऑर्डिनेट हो गया तो नियानी का लॉट तो देखिए सेकंड लाइन में तो वो हो गया 2.25 आंसर मुझे मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं बोलिए तो मुझे और जो दूसरी बच्ची है उसने कहा 3 3 क्या कर रही है प्रीत जो है 1/5 यहाँ पे है ट्री और बीच में क्या है स्मी, ओके?
Okay, so just take this screenshot and write your notebook. I hope you understood. Okay, students, so एक मैं इसको आपको बताऊंगा, अब फोर्थ और फिफ्थ बाद में बताऊंगा, पहले बताऊंगा क्वेश्चन नंबर टेंथ, बिकॉज टेंथ जो है थोड़ा सा इजी है. फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज द वर्टेक्स आर 3.0, 4.5, -1.4 एंड -2.1. ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है. तो रोम्बस का एरिया होता है, तो एरिया का मतलब होता है आपको दिया हुआ 1.2 इंटू डी वन इंटू डी टू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स. तो पहले आपको इसके दोनों डायगनल फाइंड करना पड़ेगा, और फाइंड करना ए बी सी और डी. तो मतलब हो जाएगा पहले आपको ए भी फाइंड करना है, इसलिए पहले क्या करना है आपको ए सी, ए दिया हुआ आपको 3.0 और सी दिया हुआ कितना, सी दिया हुआ होगा आपको -1.4. तो इसी के लिए इस तरह का वही अनुभव आपको रखना, रूट ऑफ -1 -3 का स्क्वायर और 4 -0 का. तो इसी कुछ हो जाएगा, ये आपका -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर,
तो आप इसको अगर पहले को ए देते हो ए बी और सी, तो अगर इसको ए को आप फाइंड करते हो देखना यहाँ पे यहाँ से, उसके लिए लिस्ट आगे तो बन रहेगा नीचे वन वन और वन कितना रहेगा थ्री, और फिर आपका पॉइंट जो है पहला ए वाला पॉइंट आ जाएगा। मैंने बताया था कि आपको अच्छे तरीके से याद होगा 2.2 और 2.3 ये आपको सॉल्व करना है होमवर्क में, मतलब वही आंसर है जब आप b फाइंड करेंगे तो थोड़ा देखिएगा ध्यान से यहां पे वापस, जब आप b फाइंड करेंगे तो आगे कितना है 1 और 1 2 और पीछे कितना है 1 और 1 2, मतलब 2 रेशियो 2 हो जाएगा। फिर आपको वापस देखिए पॉइंट है, पॉइंट में रहेगा नेगेटिव 2.2 और जो पॉइंट दूसरा वाला पॉइंट है कितना है 2.8। फिर आपको वापस वही x = mx2 + n x1 / m + n y = m जब आप सी फाइंड करेंगे यहां पे तो सी के लिए रेशियो आगे 1.1 कितना रहेगा 3:1, लेकिन जो पॉइंट है वो -2.2 और दूसरा वाला 2.8 ही रहेगा। तो x = mx2 + nx1 / m + n देन y = my2 + ny1 + तो ये तीनों केस है, आप इन तीनों केस में अलग-अलग सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये वो प्रेस now the third class is over and we done the 5 questions, the remaining 5 we will solve in the next class. So if you are having any doubt regarding this exercise, then you can ask the Google meeting. Okay, thank you.